गाइस मेरे पीछे आप रश देख सकते हो कितना ज्यादा है। अभी मैं मेन स्पॉट पे आया हूँ और बात अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइज आज हम जाने वाले हैं बाजा साहब के यहाँ, जो कि बहुत ही बड़े दीनी बुजुर्ग थे। तो ये लोकेशन जो है ये बांडीपोरा मलनगाम एरिया में पड़ती है। यहाँ से हमें 10-12 किलोमीटर का सफ़र है। तो बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बाजा साहब के यहाँ उर्स लगता है वहाँ पर पूरे इंडिया से लोग आते हैं, तो हमें यहाँ से कम ही टाइम लगना है वहाँ तक। अभी हम देख लेते हैं कि वहाँ का क्या है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, वो सारा आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको। सो गाइज ये जो रोड है ना बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आजकल ना बहुत ज्यादा रश है इस रोड पे। चेकआउट कर सकते हो कितना ज्यादा रश है यहाँ पे। अभी हम नीचे वाली साइड ही है, अभी हमें ऊपर बहुत जाना है, तो ऊपर का हाल तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और गाड़ियों को मतलब आराम आराम से जाना पड़ता है आगे, आप देख सकते हैं। और इधर से ट्रैफिक का बुरा हाल, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि तीसरा दिन ही है इसका। अभी हम पहले वाले पार्किंग लॉट पे हैं, तो आप देख सकते हो कितना रश है। ऊपर तो कॉप्स ने जाने नहीं दिया, बोला कि आप इधर ही बाइक लगा लो कहीं पर। तो बाइक मैंने यहाँ पर करी है पार्क, तो अब चलते हैं हम आगे। मेरे पीछे आप रश देख सकते हो कितना ज्यादा है। अभी मैं मेन स्पॉट पे आया हूँ और बात इससे पहले वो स्प्लिट नहीं कर रही है, ये यहाँ के कॉप्स थे, इन्होंने मेरे से फोन छीना था। तो फिर मैंने इनसे बात करी तो दे अपोलोजाइज, तो सॉरी बोला, तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक भी दी पीने के लिए। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो ऑन ड्यूटी कॉप्स, पूरी तरह से ऑन ड्यूटी है। रश आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी ये दुकानें इन्होंने दुल्हन की तरह सजाई हुई है पूरा, मतलब आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने सजाई हुई है दुकानें। और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कुछ पराठे शराठे बना रहे हैं यहाँ पे। सो अभी हम जाने वाले हैं ऊपर वाली साइड जहाँ पे बाबा का मज़ार है। तो बाकी मेरे पीछे आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है, तो वहाँ से आगे से भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप देख सकते हैं इनका बेचने का अंदाज कैसा कैसे ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगना है आगे तक, तो फिर हम पहुंच जाएंगे बाबा के मज़ार पे। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एमरजेंसी। सो फाइनली गाइज हम पहुँचे हैं बाबा के मज़ार पे, और इधर आप रश देख सकते हो कितना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, वो बाबा जो है वो उस जो बिल्डिंग है वहाँ पे उसी में है दफन, उसी में है वो। तो अभी हम उधर जाने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कि वहाँ पे हम अगर पहुँचे तो वो भी आपको दिखाते चले।
यहाँ पे बहुत सारी मज़ार है, जिनमें से ये आप देख सकते हो इनकी शागिर्दों की मज़ारें भी है और बाकी जो इनके पास वो टाइम पे होते थे उनकी मज़ार है। तो जो मेन मज़ार है ना बाजी साहब की, वो अंदर है। जूते शूते हमने निकाल लिए और मेरा ये एक फ्रेंड मिला है, तो इसने बोला कि मैं आपको हेल्प करूँगा अंदर तक, तो देख लेते हैं कि अंदर का क्या रहेगा हमारा। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ये नंगा बाजी के बेटे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लाउडली बात नहीं कर सकता इंसान क्योंकि गाइस ये जो है असली मज़ार ये है। जो बाजा साहब है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी तादाद में। मज़ार भी देख लिया आपने अच्छी तरह से, और बाकी यहाँ पे तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता इंसान क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो है अभी हम देख लेते हैं कि आगे का क्या रहेगा हमारा। एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी,
तो अभी हम अपनी बाइक के पास चलते हैं। ये रही हमारी बाइक और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो इसके बाद हमें अभी व्लॉग को एंड भी करना है। वहाँ पे वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए, व्लॉग को एंड ही नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, उस वजह से हम वीडियो जो है वो एंड नहीं कर पाए। तो अभी हम पहुँचे अपने घर, तो वीडियो को एंड करने का समय आया है। तो अगर ये व्लॉग आपको किसी भी रीज़न से पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलता है और एक व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।